Vai! Nada disso! Marcelo! छोटे पर्दे पर कुछ भी हो सकता है, किसी की जान जा भी सकती है और किसी की जान किसी के अंदर आ भी सकती है। आमेर कोर्ट में सदियों से ये परंपरा चली आ रही है कि सारी लेडीज मिलकर कुएं की पूजा करती हैं, एक दूसरे को गुलाल लगाती हैं। तो क्या था, सारी लेडीज इसीलिए इकट्ठा हुई थी? बस यही मौका था कि बड़ी राजमाता ने सोच लिया, क्यों ना यहीं पे गायत्री का काम तमाम कर दिया जाए। और बड़ी राजमाता ने बड़ी चालाकी से ये काम कर दिया, कुएं में गायत्री को ढकेल दिया। तो आज हम कुएं की पूजा कर रहे हैं और इस पूजा में सब लड़कियां लाल जोड़ा पहनती हैं और एक दूसरे को गुलाल लगाती है। बहुत खुशी का माहौल है। यहाँ पे चल रही है एक आमेर कोट का एक रिवाज है कि हर साल जो आमेर कोट की रानी है वो कुएं की पूजा करती है, क्योंकि कई बरस पहले एक रानी की ही वजह से एक आदमी की डूब के मौत हो गई थी। तो हर साल आमेर कोट की जो रानी है वो राज परिवार के लिए और अपने लिए वो ये पूजा करती है ताकि उस आदमी की आत्मा को शांति मिले। राजमाता सहित सारी लेडीज चीखने लगी, चिल्लाने लगी, लेकिन गायत्री को बचाने के लिए इस कुएं में किसी ने छलांग नहीं मारी। हमने जब पूछा कि क्या होगा गायत्री का, क्या गायत्री फना हो जाएगी? आप हमारे राजमहल में आए हैं और आपको पता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स तो होते ही हैं। तो गायत्री मेरी बेस्ट फ्रेंड, मेरा इकलौता सहारा मेरे राजमहल में, और वो डूब जाती हैं, कुएं में गिर जाती हैं, और ये काम किया है बड़ी रानी माँ ने। गायत्री रहेंगी नहीं रहेंगी ये मैं नहीं जानती, बट माफ कीजिए, आपका जवाब हम सबको हजम नहीं हुआ, क्योंकि अगर सीरियल की हीरोइन मर जाएगी तो हीरो का क्या होगा? और देखना, गायत्री को कोई और नहीं बल्कि राणा जी ही बचाने आएंगे। वैसे दृष्टिधामी को मानना पड़ेगा, आमतौर पर जब ऐसे सीन्स होते हैं तो कलाकार डुप्लीकेट का सहारा लेते हैं, लेकिन इस पूरे सीन को दृष्टि ने खुद ही करना पसंद किया, तभी तो ये सीन इतना उठकर आया है। समझो!